वैल्यू पर कहां आएगा? 90 डिग्री पर, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में यहां पर 90, जहां भी हो 90 डिग्री आएगा। जो यहां भी आर है तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस भी आर, क्योंकि सीधा इसका अपोजिट लिए, सीधा इसका अपोजिट लिए। अब देखो इस तरह का ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, क्या करेंगे इससे अब जोड़ देंगे। तो अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भुजा जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा ये है, यानी इसका लंबाई जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी ये है, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है, ये जितना लंबा है उतना लंबा ये है। यानी एक तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया, यानी समानांतर चतुर्भुज। ये किस तरह का बन गया आपका, समानांतर चतुर्भुज, नहीं बन गया ये समानांतर चतुर्भुज की तरह, देखो। तो अब हम क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज अगर ये बन गया तो इसका विकर्ण यही निकालेंगे ना, ये, क्योंकि दो फेस का है ये, क्योंकि दो गाड़ी, दोनों गाड़ियां का अगर बीच की दोनों टोटल कहेंगे तो हम क्या बोले थे, टोटल तय की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, तो इस फेज और इस फेज में टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो ये हो गया टोटल, यानी R और Y से दोनों टोटल यहां हो गया। तो हम इसकी लंबाई निकालेंगे, कौन कौन सा सूत्र फॉर्मूला लगा करके, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे। चलो तो इसका दूरी हम लोग निकालते हैं, तो आइए इसको ड्रॉ किए यहां। अब लिखे हैं वी आर वी वाई वी बी बराबर, सब लिखे हैं वी पी, ये सब क्या है फेज वोल्टेज। अभी हमने जो बना करके दिखाया था आप लोगों को, ये सारे का सारे क्या है फेज वोल्टेज, ये सारे फेज वोल्टेज है। अब हम क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज निकालेंगे कि लाइन वोल्टेज। और एक चीज आपको पहले से बता दिए थे कि स्टार में जब कनेक्शन करते हैं तो फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आइए इसको अब देखते हैं, तो हम लिखेंगे क्या है, वी आर वी आर वाई, यानी ये क्या हो गया, ये विकर्ण के बारे में बता रहे हैं आपको, इससे इसको ये माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या करें वी आर माइनस वी वाई, वी वाई। अब जो वेक्टर का पैरेललोग्राम है उसके थ्रू हम ये निकालेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, वी आर वाई होल स्क्वायर बराबर, आप क्या लिखेंगे वी आर, और इसको इसको जोड़ेंगे यही ना, तो लिखेंगे वी आर स्क्वायर जोड़ वी वाई स्क्वायर प्लस टू, टू ए बी होता ना, तो टू ए ये है बी ये है, तो वी आर वी वाई कॉस फाइव, ये होता है ना। अब देखो ये सारे आर वाई और बी सारे बराबर है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो सारे के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं कि फेज वोल्टेज लिख सकते हैं, ये जहां जहां ये लिखा हुआ है सबके स्थान पर हम फेज वोल्टेज लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है बराबर है। तो इसके स्थान पर हम लिखते हैं वी आर वाई के स्थान पर लिखते फेज वोल्टेज का होल स्क्वायर, फिर लिखे फेज वोल्टेज का होल स्क्वायर प्लस टू फेज वोल्टेज इसके बारे में, अब इससे फिर इनटू फेज वोल्टेज फिर कॉस फाइव लिखेंगे ना। अब यहां देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया रूट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका रूट अंडर। अब क्या करते हैं इसको इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया टू फेज वोल्टेज, ये दोनों यहां क्या होगा मल्टीप्लाई, ये दोनों तो क्या हो जाएगा आपका टू फेज वोल्टेज का होल स्क्वायर। और इन दोनों में अब एक चीज और ही बता दें, यहां से यहां तक 120 डिग्री है, तो इसको जब हम यहां से यहां तक अगर टोटल की बात करें यहां से यहां तक, तो कहोगे कितना डिग्री होता है, तो आपको होगी 180 डिग्री, कितनी डिग्री 180 डिग्री, टोटल कितना डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री में से अगर 120 डिग्री यहां से यहां तक 120 डिग्री माइनस कर दे, तो यहां से यहां कितना बचता है
तो आपको हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और इसके बीच में जो ये विकर्ण खींचा गया है, कहोगे कि यहां से यहां तक 60 इधर लिख देते हैं, सपोज कर लो ये 60, तो अगर यहां से यहां तक ये हो गया आपको इसके और इसके बीच कितना डिग्री? 60 डिग्री। एक फेज और दूसरे फेज के बीच की दूरी हम दिखा दिए कितने? 60 डिग्री। अब यहां से यहां तक की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको हो गया 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्योंकि ये यहां से यहां अगर 60 है, इसके बीचों बीच ये लाइन खींचा गया है, तो ये क्या होगा? इसका हाफ होगा ना, तो ये आ गया आपका कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है ना, ये क्या है? फेज वोल्टेज। ये क्या है आपका? लाइन वोल्टेज है, क्योंकि दोनों आर और वाई दोनों जुड़ रहा है, तो ये आपका लाइन वोल्टेज है और ये क्या है? फेज वोल्टेज। यानी आप कह सकते हो कि फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज जो है वो 30 डिग्री आगे चल रहा है। अगर पूछा जाए आपको कि स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज कितने आगे या पीछे चल रहा है, तो आपको बताना है कितना डिग्री आगे चल रहा है? 30 डिग्री। देखो है ना 30 डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री है ना आगे। अगर आपको कहा जाए कि एक फेज से दूसरे फेज के बीच कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, तो आपको हो गया 60 डिग्री। ये जो 120 डिग्री देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है। कौन सी डिग्री है? इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो फाइ के स्थान पे यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां भी आप फाइ बराबर क्या हो गया, तो आपको हो गया फाइ बराबर क्या हो गया? 60। क्योंकि आर और वाई के बीच, आर और वाई के बीच कितना डिग्री का आ रहा है? 60 डिग्री का। तो यहां लिख देना 60। तो यहां भी आप लोग लिखो 60। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो आपको हो गया 2, 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका? तो भी आर वाई बराबर क्या हो गया? 2 और 1 इसमें बच गया, ये तो कितना हो गया? 3, तो हो गया 3। ओहो यहां स्क्वायर छूट गया था, तो भी स्क्वायर पी एच, तो इसको अगर हम रूट से निकाले तो क्या हो गया? रूट अंडर 3 फेज वोल्टेज। यानी हम कहेंगे कि लाइन वोल्टेज जो है वह फेज वोल्टेज से रूट 3 गुना अधिक होता है। यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रूट 3 गुना क्या होता है? रूट 3 गुना अधिक होता है। इसी को आपको निकाल करके हमने दिखाया। चलो आगे फिर देखते हैं इसमें। आइए अब इसका पावर के बारे में जानते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है? तो आपको पता है पावर बराबर होता है भी इंटू आई और इंटू कॉस फाइ। एसी का पावर जब हम लोग लगाते हैं तो इसी तरह से लगाते हैं ना, पावर बराबर क्या हो गया? भी इंटू आई वोल्टेज गुना करेंट गुना कॉस फाइ। अब इसमें देखो, जब ये टोटल तीनों फेज का निकालेंगे, टोटल पावर अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, इसलिए 3 से गुना कर दिए। 3 इंटू पावर ऑफ इच फेज, मतलब प्रत्येक फेज का पावर गुना 3, गुना में क्या कर दिया? 3। अब देख लो, तो ये फेज वोल्टेज है, ये फेज करंट है, ये कॉस फाई है। अब एक चीज देखो, यहां जब हम लाइन की बात करें तो ये क्या हो गया? तो फेज वोल्टेज बराबर यहां लिख सकते हैं वी एल, यानी लाइन वोल्टेज में रूट अंडर 3, क्योंकि इधर से ये इधर आएगा, ये इधर से जब इधर आएगा तो नीचे आएगा ना, क्योंकि इधर गुना में है, तो इधर के इसमें आ जाएगा भाग में, ये नीचे, तो भाग में नीचे लिख दिए। यानी फेज वोल्टेज के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं लाइन वोल्टेज बटे रूट अंडर 3 लिख सकते हैं ना। तो आइए आप इसको लिखते हैं, तो ये हो गया 3 और ये फेज वोल्टेज है, उसके जगह पर आप लिखो लाइन वोल्टेज बाई रूट अंडर 3 गुना फेज करंट है। यहाँ फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। देखो फेज करंट बराबर लाइन करंट है, तो फेज करंट के स्थान पर लाइन करंट लिख सकते हैं, तो आपको हो गया, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब हो गया कॉस फाइ। अब यहां जब है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3,
इंटू वी एल यानी लाइन वोल्टेज रूट 103 इंटू लाइन करेंट इंटू कॉस फाइव लिख सकते हैं ना, रूट 103 से रूट 103 कैंसिल, तो हो गया क्या पावर बराबर रूट 103 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करेंट कॉस फाइव। ये आ गया आपका पावर, ये आ गया क्या आपका पावर, ये आ गया टोटल आपका क्या पावर। अगर थ्री फेज स्टार में कनेक्शन हो तो उसका पावर बराबर हो जाएगा रूट 103 लाइन वोल्टेज लाइन करेंट इंटू में कॉस फाइव, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं, अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले उसका निचोड़ क्या निकला है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो लाइन वोल्टेज इज थ्री टाइम्स मोर देन फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रूट 103 गुना अधिक होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रूट 3 गुना अधिक होता है। दूसरा लिखा हुआ है लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। तीसरा लाइन वोल्टेज ऑलवेज फेज वोल्टेज फेज 30 डिग्री अहेड ऑफ इट, लाइन वोल्टेज जो है वह फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि लाइन वोल्टेज इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू इच अदर एट डिफरेंस ऑफ 120 आल्सो कॉल्ड फेज डिफरेंस, यानी लाइन वोल्टेज इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रिकली रूप से 120 डिग्री क्या होता है दूसरे फेज से डिफरेंस में रहता है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम मोटर को चलाते हैं तो पहले स्टार में क्यों चलाते हैं, स्टार में इसलिए चलाते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है, क्योंकि अगर उसको डेल्टा में चला दे, इसके बाद हम लोग डेल्टा भी पढ़ेंगे, डेल्टा में चलाएंगे तो उसमें क्या होता है कि करंट ज़्यादा होता है। तो इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है तो मोटर जलने से बच जाता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, इसीलिए मोटर को चलाने से पहले हम स्टार में चलाते हैं। थैंक यू, आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, अगर क्लास अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे।